It's my life. वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। एंड इफ यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। सो यस, आज एक इवेंट है 14 अगस्त का, इंडिपेंडेंस डे का। सो यस, कुछ दिन पहले ही 14 अगस्त गुजरी है, लेकिन उस दिन तो वो इवेंट नहीं हो सका। आज फ्राइडे है, सो आज वो इवेंट है एंड वहाँ पर मैं जाऊँगी। आज मेरे घर वाले तो नहीं जा रहे, बट मैं अपनी एक आंटी हूँ उनके साथ जा रही हूँ। सो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, क्या हम लोग करते हैं, क्विज वगैरह होंगे। सो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं अपनी जो है थोड़ी बहुत तैयारी दिखाती हूँ आप लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलो चलें जी। तो यहाँ पे मैं अपनी नेल पॉलिश लगा रही थी और सूखने का वेट कर रही थी। सो मेरी नेल पॉलिश लग चुकी है एंड अब मैं करने वाली अपना मेकअप। एंड मेकअप करते साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा आदत है पानी पीने की, तो मैंने बॉटल पास ही रख ली है। सो यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का सामान भी निकाला एंड मैंने अब रियलाइज़ किया कि मेरे ब्रशेस कितने गंदे हुए हैं एंड कोई इसमें शेड ब्लू कलर का टूट गया था, तो इस वजह से ज़्यादा गंदे हो गए। सो यहाँ पे मैं ये हाइलाइटर पैलेट आप लोगों को दिखा रही हूँ एसेंस का, जो कि मेरा फेवरेट हाइलाइटर पैलेट है एंड ये खुल ही नहीं रहा था, इतनी मशक्क़त करके मैंने खोला है इसको। सो इसमें तीनों शेड्स हैं, कुछ डार्क है, एक पिंक सा है, एक गोल्ड जो हमें चाहिए होता है वो। सो इसमें तीन शेड्स हैं। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एसेंस के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है ब्राउन एडिशन पैलेट एंड ये पैलेट बहुत अच्छा है। इसमें मैं अपने आईब्रोज़ को भी फिल कर लेती हूँ एंड आई कलर्स भी इसमें न्यूट्रल हैं तो सही रहता है। देन ये मैं ब्लश दिखा रही हूँ। देन ये भी एसेंस का मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि बहुत अच्छा है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए मुझे एसेंस के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। एंड ये 2 फाउंडेशंस हैं मेरी एंड मैंने हर चीज़ ही एसेंस की तकरीबन रखी हुई है। कॉन्टोर पैलेट भी उन्हीं का रखा हुआ है, हालांकि मेरे पास एक क्रीम कॉन्टोर पैलेट भी है शी ग्लैम का, लेकिन फिर भी मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देन मस्कारा भी उनका ही है, लिपस्टिक भी, लाइनर भी एंड ये दोनों चीज़ें मेरी वैसे फिनिश हो गई हैं, मुझे और लानी है। सो यस, ये ब्रश है मैकियाजी का और मैंने इतना गंदी चीज़ें अपनी रखी हुई है ना। और ये न्यूड एंड ब्लैक पेंसिल है, वो भी एसेंस की। चलो तैयार होते हैं। मेरा ऐसे चमक रहा है ना, मतलब कि भर भर के लगा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा थोड़ा सा मेकअप करूँगी, मस्कारा लगाऊंगी बस थोड़ा बहुत ऐसे ही, लेकिन एंड पे क्या हो जाता है मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही होती हूँ। इतना ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ और इतना हाइलाइटर मैंने लगा लिया, ब्लश लगा लिया, मतलब मुझे सब कुछ चाहिए होता है, मेरा थोड़े मेकअप से गुजारा ही नहीं है। मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड अभी मैं बस आंटी लोगों के आने का वेट कर रही हूँ ताकि वो लोग आएंगे, तो फिर मैं जाऊँगी उनके साथ। बाकी कपड़े वगैरह मैं बाद में दिखाऊँगी, अभी हम लोग बस जाएँगे बिकॉज मैंने फटाफट सा बैग पहन लिया है। बाकी जो सामान मैंने बैग में रखना था वो भी रख लिया है, छोटू सा बैग है लेकिन उसको भी मैंने भर लिया है। सो यस, अब बस मैं वेट कर रही हूँ, बस जल्दी से वो आ जाए और हम लोग चलें और फिर मैं आगे देखती हूँ, आप लोग भी देखें कि हम आगे क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और आगे देखते हैं क्या होता है। सर वैसे ना एक बात है कि ग्लासेस वाले जो लोग होते हैं ना, उनका लाइनर अगर ख़राब हो भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लाइनर ये वाला जो है ना ख़राब हो गया था थोड़ा सा एंड मैंने बहुत कोशिश की उसको सही करने की, लेकिन वो नहीं था इतना खास, सही नहीं हुआ। लेकिन ये एक एंड पे ग्लासेस लगा लो तो फील ही नहीं होता कि लाइनर या कुछ भी आई शेडो कुछ भी आपसे मिस्टेक हुई है। सो ग्लासेस वालों को ये बड़ा फ़ायदा है कि उनका मेकअप जो है ना इतना खास आंखों वाला नज़र नहीं आता कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं ग्लासेस के पीछे। ओके, सो आंटी मुझे जो है वो लेने आ गई थी एंड मैं उनके साथ बैठ गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे क्या होगा एंड किस तरह का माहौल होगा, क्या सब होगा। सो चलो चलते हैं और फिर देखते हैं। और अभी हम लोग बस बातें बातें करते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं रास्ते की वीडियो बना लेती हूँ बिकॉज़ अच्छी लगती है और सऊदीया का अपना ही एक वाइब है अपनी दिन के टाइम में। सो यस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एंड ये करवान कोई विलेज या आई डोंट नो कोई जगह बनी हुई थी, कोई हॉल्स थे यहाँ पे। सो यस, हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं एंड काफ़ी लोगों ने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, बच्चों ने, जो बड़े हैं उन्होंने ग्रीन अबाए पहने हुए हैं, अंकल्स हैं उन्होंने ग्रीन कुर्ताज पहने हुए हैं। सो यस, सारे अपनी तरफ से तैयार हो गया थे, मेरे पास ब्लू अबाया था, मैंने ब्लू पहन लिया। एंड जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं वहाँ पे उन्होंने फ्लैग्स रखे हुए थे, वो जो बैजेस हैं फ्लैग्स बने हुए वो रखे हुए थे। सो जिसने जो लेना है वो ले लें और अभी बस हम लोग अंदर जा रहे हैं, शो स्टार्ट हो चुका है।
सो शो स्टार्ट हो चुका है एंड बच्चियाँ यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रही हैं शो मिली नगमे के साथ. सो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ. सो यू ऑल एंजॉय. Due to the lack of opportunities available to them. Furthermore, the cultural diversity, which could be My name is Laiba Naveed. Tu hai to main hu e mere watan, tu meri chahat, tu meri lagan. Main tere hone se azaad hu, tu mera gulshan, tu mera chaman. Tu hi mera dil, meri jaan hai. Tu hai to sabse teri shaan hai. Rahega inshallah tu aba. Pakistan Zindabad. अरे कहना क्या चाहते हो? शाबाश बेटा. Special thanks to Toastmaster. Thank you.
आज का प्रोग्राम अगर कामयाब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेहनत, ढेर सारी तालियां बच्चों के लिए। मेरे साथ आज कौन है मेरे ब्लॉग में? ओह माय गॉड, ये मेरा ब्लॉग हिट जाने वाला है। आपको कैसे लग रहे मेरे ब्लॉग में आके? बस मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है। आपको आपको कैसे लग रहा है मेरे ब्लॉग में आके? अच्छा, अब आप सब हिट हो जाएंगे, सेलिब्रिटीज बन जाएंगे जैसे मैं बन गई हूँ। थम्स अप। कुछ कहना चाहेंगे मेरी वीडियो के लिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मेरा बोलो मोलो कोला जी। अब हम कुछ मेरा पांडा खाने जा रहे हैं। सो यहाँ पे खाना लग चुका है एंड सब अभी डाल रहे हैं, तो मैं ज़रा साइड पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ ऊपर से कि पहले सब डाल लें फिर हम डालते हैं, बिकॉज़ फिर ऐसे बहुत ज़्यादा रश था और गुलाब जामुन देख के तो मेरी नीयत वहीं पे ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे आप बस मेरा बिरयानी के लिए एक्साइटमेंट लेवल चेक करें। ये पाकिस्तान का झंडा भी पकड़ा हुआ है हमने। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। क्यों नहीं खा रहे? खा लिया मैंने। क्या खाया आपने? सॉरी, गुलाब जामुन खाया आपने? सब खाए। कितने खाए? परी भाजी साइड हो रहे हैं, बच्चों को जगह देते हैं। परी भाजी चली नहीं जाएंगे हम सके? और कॉर्नर में लेके जा रही। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। हम इधर खड़े होकर शादी का खाना खाते हैं। मजा आ जाएगा। गुलाब जामुन हमेशा हाथ से खाते हैं, मजा आता है। यस। ट्रिप ट्रिप अपना भी पकड़ो ना। उमेर भाई, ये मेरा ब्लॉग था। मैंने तो पूरा ही जगह डाल दिया। ओके। ये बागा भी दिखा। हाँ हाँ। सेकंड। आप देखना। आपको तो अंदर उंगली फंसानी पड़ी, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये पता नहीं कौन है। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज पता नहीं कहाँ है मैं। हम सीधा करके व्लॉग करें यार। तो अभी कौन सा व्लॉग चल रहा है? पहला व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं, मेरे व्लॉग की आप कुछ कहना चाहिए? साथ आके बोलो ऐसे करके, एंगल अच्छा आना चाहिए। सीधा करो, मैं सीधा करूँ उसको। चलो, क्या कहना चाहिए आप मेरे व्लॉग के? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार बंदा कह रहा था कि इसको सब्सक्राइब करें। गरीब आदमी है, सब्सक्राइब करो। पुल के नीचे सोता हूँ। मेरे पास तो बिस्तर भी नहीं है। रात को पुल के नीचे सोते हैं गरीब। यही है, बाया फैला के नीचे सो जाता हूँ। हाँ, सब्सक्राइब करो। पैसे वैसे आए जरा। इसके पॉकेट में से निकला है, इसकी पॉकेट में से निकला है। चलो भाईजान, क्या किया आपने बॉटल के साथ? जरा फिर से एक बार पिलाऊं तुम्हें? चेकारी साहब मुझे खड़े होके देख रहे हैं, मारने ना। भाई जी, नहीं तो काफी आप पिज़्ज़ा कमेंट जो भी था खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस जीत के। कोई बात नहीं, अच्छी बात। अभी हम जा रहे हैं। काफी खा रहे हैं। इसमें टॉफी भी नहीं आती, वापस ले लो। दे 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 दे। चलो कोई बात, मैं डब्बा ले आऊंगा।
सो मैं घर आ चुकी हूँ एंड दिस वॉज इट फॉर टूडेज व्लॉग. होप आप लोग को पसंद आया हो. लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और यम 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 मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टाटा बाय बाय.